हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट में, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स, डेली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज है 25 मार्च, तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आज क्या क्या घटनाएं घटी हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ले चलूंगा कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? ए मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, तो किस देश के साथ किया गया है? स्वीडन, डेनमार्क, जापान या इजराइल? तो इसका सही जवाब है जापान। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेमोरेंडम आपको ऑपरेशन साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन वाटर रिसोर्स फील्ड अप्रूवल बाय कैबिनेट। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल फॉर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे जापान और इंडिया बायलेटरल कोऑपरेशन के द्वारा ये मेमोरेंडम साइन किए हैं। इसमें रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में जो आता है, और जापान का लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टूरिज्म टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है, दोनों मिलकर साइन किए हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्री मंत्रालय के अंतर्गत। ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इस टाइम जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। देख सकते हैं यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ये सही मंत्रालय एक साथ हैं, ये इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये मंत्रालय बनाया है 2019 में, अभी मोदी गवर्नमेंट के दूसरा कार्यकाल जब स्टार्ट हुआ है तो ये मंत्रालय बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। बात करते हैं जापान की, तो देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और हमारे ईस्ट में ठीक है एशिया में ही जापान, ये जापान और ये पूरा एरिया जो है रिंग ऑफ फायर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो आप सुने होंगे जापान में हमेशा भूकंप आता रहता है। एक बार जापान का मैप देख लेते हैं, ये है जापान का मैप, यहाँ सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन के बीच में जापान है। ये चार प्रोविंस में बटा हुआ है, होकाइडो, होन्सू, सिकोउ और क्योसू। ये चारों क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछ लेते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ इनको करने के लिए, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये होकाइडो है सबसे ईस्ट में, उसके बाद होन्सू है, फिर सिकोउ है, फिर क्योसू है, यहाँ पे नागासाकी है, यहाँ हिरोशिमा है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहीं पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसके पास 1945 में जापान की हार हुई थी। ये रिकोयू आइलैंड है, यहाँ पे जापान चाइना और जापान का डिस्प्यूट है, यहाँ पे इन दोनों में मतभेद है। जापान के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना इस पे अपना हक दिखाता रहता है, अपना हक जताता रहता है। और ये है रसिया का पार्ट, जिस पे जापान अपना क्लेम जताता है, लेकिन यह है रसिया के कंट्रोल में। यहाँ पे देख सकते हैं जापान के होकाइडो प्रांत के एकदम पास में है, पड़ता है रसिया का भी एरिया। बात करें राजधानी की, तो राजधानी है टोक्यो, यहाँ पे देख सकते हैं टोक्यो है, और मुद्रा है यहाँ की जापानी येन, और प्रधानमंत्री इस टाइम है योशिहिदे सुगा। यहाँ पे एक माउंट फिजी भी है, अब आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा।
आप यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरा, यहाँ पे भारत संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और त्रिपुरा के राज्यपाल ये मिलके इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये है एक सीन, देख लीजिए, यहाँ पे उदयपुर विज्ञान केंद्र का है ये परिदृश्य है। गिरीश रामदास और विजय कुमार राधाकृष्णन ने मिलकर 2011 में मजिस्टर की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। शैडो पैड क्या है? ये पैड नहीं है, शैडो पैड क्या है? शैडो पैड क्या है? एक मॉलवेयर है, एक वारशिप है, एक कोरोना वैक्सीन है या एक संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा शैडो पैड, एक मॉलवेयर है। जब एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी दूसरे के कंप्यूटर में उसको हैकिंग के उद्देश्य से या किसी भी गलत उद्देश्य से उस सॉफ्टवेयर दूसरे के सिस्टम में उसको इंजेक्ट कराया जाता है, फिर वहां से सारी जानकारियां ली जा सकती हैं और उसके सिस्टम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अभी आप सुनने होंगे कि चाइना ने मुंबई में एक अभी पावर ग्रिड का एक बार फेलियर हुआ था, एक साथ पूरे मुंबई की बिजली चली गई थी। तो ये माना जा रहा था कि चाइना के कुछ हैकर ने इसको हैक कर लिया था, तो यहाँ पे शैडो पैड मॉलवेयर का ही यूज किए थे। इसके द्वारा ये पूरे पावर ग्रिड सिस्टम को फेल करने में कामयाब हुए थे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, तब जाके इंडिया इस पर रिएक्ट किया, नहीं तो यहाँ किसी की को भी ये पता नहीं था। अब भारत का पहला आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेट, आईजीबीसी एक संस्था है जो सर्टिफिकेट देती है, तो किस स्टेशन को पहली बार यह सर्टिफिकेट दिया गया है? वाराणसी सीएसटी स्टेशन, सीएसटी स्टेशन मुंबई में है, या दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन? तो इसका सही जवाब होगा सीएसटी स्टेशन, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। देख सकते हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को स्टेशन स्टेशन के अवार्ड दिया गया है ये आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेट। बात करें आईजीबीसी की, बिल्डिंग को किसी ग्रीन बिल्डिंग को ये सर्टिफिकेट देती है कि इस बिल्डिंग में कितना इलेक्ट्रिक किस तरह से यूज हो रहा है, कौन कितना ग्रीन एनर्जी पे चल रहे हैं, कहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इसी आधार पे ये सर्टिफिकेट देती है। तो ये पहली बार किसी स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया गया है गोल्ड सर्टिफिकेट, तो यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इंडिया, जापान, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पार्ट में ये पाया जाता है प्लेटिपस। एक उदबिलाव है जो चूहे के चार प्रजातियों में से एक प्रजाति है और इसके नूतन के कारण नूतना, देख सकते हैं आप, इसके नूतना के कारण ये फेमस है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, इसे एक विलुप्त प्राय प्राणी में शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसके जान पे खतरा आ चुका है। अब ये विलुप्त होने के कगार पे माना जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतना भीषण आग लगी थी कि बहुत से जानवर उसमें जल के मर गए। इसका नूतन देख सकते हैं, इसका नूतन बत्तख के जैसा होता है और ये, लेकिन ये चूहे के प्रजाति का है। ये पहला जानवर है जो स्तनधारी जीव है लेकिन ये बच्चा नहीं देती है, अंडा देती है। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा सिटी रहा है? कौन सा शहर जो है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है? बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? तो इसका जवाब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।